हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये तो हम सब ही जानते हैं कि मेडिकल साइंस कितनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। यहाँ किसी मर्द का औरत और किसी औरत का मर्द बन जाना कोई बड़ा मसला नहीं रहा। लेकिन ये सब कितनी महारत और राजदारी से हो रहा है कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। हम रोज़मर्रा टीवी और अखबारों में ऐसी हसीनो जमील औरतें देखते रहते हैं जो दरहकीकत औरतें होती ही नहीं, बल्कि वो मर्द होते हैं जो मेडिकल साइंस की बदौलत हुस्न व जमाल में औरतों को भी कहीं ज़्यादा पीछे छोड़ चुके हैं। तो आइए चंद खूबसूरत औरतों के जिस्म के पीछे छुपे मर्दों की हकीकत को जानते हैं। कैरोलिन कूजी, ये 1954 में पैदा होने वाली एक बरतानवी मॉडल हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर इसलिए हैं कि इन्होंने जेम्स बॉन्ड की मूवी में एक किरदार भी निभा रखा है। दोस्तों, ये दर हकीकत एक मर्द हैं और उन्होंने बहैसियत मर्द प्ले बॉय नामी एक मैगजीन में फ़ोटो भी बनवा रखा है। लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये जिस्मानी और कानूनी तौर पर एक औरत बनने में कामयाब रहे हैं, एक ऐसी मशहूर सुपर मॉडल जो एक अदाकारा भी रह चुकी है। फ्लोरेंशिया ट्रिनिडेड, ये फ्लोरडेलावी के नाम से काफ़ी मशहूर हैं। दोस्तों, भले ही इंडिया और पाकिस्तान में लोग इन्हें ना जानते हों, लेकिन ये अर्जेंटाइन में काफ़ी शोहरत की मालिक हैं। ये एक एक्ट्रेस, टीवी होस्ट और एक कॉमेडियन भी हैं। ये मुल्क अर्जेंटाइन की पहली औरत हैं जो एक मर्द से औरत में तब्दील हुई। क्रिस्टीन जॉर्गेंसन, क्रिस्टीन एक अमेरिकन औरत थी जो कभी माजी में एक मर्द आर्मी ऑफिसर हुआ करता था। बाद अजां ये अमरीका में सर्जरी के जरिए जिंस तब्दील करवाने वाली पहली औरत बनी। औरत बनने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आने लगी और इसी वजह से इन्हें मुख्तलिफ फिल्मों में काम करते देखा गया। ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ में क्रिस्टीन को काफ़ी शोहरत हासिल है, जिसने इनके हकूक के लिए काफ़ी जद्दोजहद की है। कैरमेन करेरा, कैरमेन एक 32 साल अमरीकन मॉडल हैं जो पैदाइशी तौर पर एक मर्द थी। ये एक मॉडल होने के साथ साथ टेलीविजन पर भी दिखाई देती हैं। इन्हें RuPaul ड्रैग रेस के सीजन 3 में नज़र आने पर काफ़ी शोहरत मिली थी। दोस्तों, ये इतनी परफेक्ट औरत नज़र आती हैं कि आज तक बहुत से लोगों को ये इल्म ही नहीं हो सका कि ये कभी एक मर्द भी हुआ करती थी। एंड्रिजा पेजी, अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ के शौकीन हैं तो इन मोहतरमा, मेरा मतलब है कि इन मोहतरम की फिल्में आपने ज़रूर देखी होंगी। ये एक ऑस्ट्रेलियन सुपर मॉडल है जो दरहकीकत 2013 से पहले एक मर्द हुआ करती थी, लेकिन आज ये एक इतनी हसीन औरत बन चुकी हैं कि हॉलीवुड में पहले से काम करती खवातीन इनको अपने लिए एक बड़ा कॉम्पिटिटर मानने लगी हैं। क्लॉडिया चेरीज, क्लॉडिया नामी ये लड़की दुनिया भर में उस वक्त मशहूर हुई कि जब इसने अमेरिकास नेक्स्ट टॉप मॉडल नामी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। ये इतनी खूबसूरत और सडोल जिस्म की मालिक थी कि सबको लगा कि जैसे ये लड़की ही कंपटीशन को विन करेगी। लेकिन लोगों को हैरत का झटका उस वक्त लगा कि जब क्लॉडिया को इसलिए डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया क्योंकि ये पैदाइशी तौर पर एक औरत न थी, बल्कि ये तो सर्जरी की बदौलत औरत बनी थी। बाद अजां क्लॉडिया ने ट्रांसजेंडर्स के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, जहां से वो जीत कर वापस लौटी। शिनेल सांटिनी, शिनेल नामी ये औरत एक एडल्ट फिल्म स्टार है जिसने काफ़ी यंग एज में सर्जरी की बदौलत अपनी जिंस तब्दील करवा ली थी। ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हसीन और खूबसूरत ट्रांसजेंडर तस्लीम की जाती है। शिनेल नामी ये लड़की मेक्सिको में पली बड़ी है और इस वक्त सिर्फ 19 साल की है। दोस्तों, आज इसे देखकर ये यकीन करना काफ़ी मुश्किल है कि शिनेल की पैदाइश बहैसियत मर्द हुई थी। जेना टेलेकोवा, जेना कैनेडा से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की हैं जो कभी एक लड़का हुआ करती थी। इन्हें दुनिया भर में शोहरत उस वक्त मिली कि जब इन्होंने कनाडा के मिस यूनिवर्स मुकाबलों में शिरकत की और अपने हसीन जिस्म की बदौलत काफ़ी आगे तक जा पहुंची। लेकिन ड्रामाई तौर पर इनकी हकीकत लोगों के सामने आ गई और इन्हें बायोलॉजिकली एक औरत पैदा ना होने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। किम पेट्रास,
किम नामी ये लड़की काफी यंग एज में ही अपना जेंडर चेंज करवा कर मर्द से एक औरत में तब्दील हो चुकी थी। बाद अदा इसने सिंगिंग और म्यूजिक वीडियोस बना बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करना शुरू की। लोगों ने इसकी खूबसूरत आवाज़ और जाजिब नज़र शख्सियत को बहुत पसंद किया। यहाँ से इसे पहचान मिली और म्यूजिक इंडस्ट्री में इसे काम मिलना शुरू हो गया। और आज की तारीख में ये लड़की जो दर हकीकत एक लड़का है, इसका शुमार जर्मनी के बड़े और मशहूर तरीन सिंगर्स में होता है। लेवर्ने कॉप्स। लेवर्ने अमेरिका में रहने वाली एक वकील और टीवी एक्ट्रेस हैं। वैसे तो ये कई टीवी शोज में शिरकत कर चुकी हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स की सीरीज ऑरेंज इज न्यू ब्लैक के जरिए इन्हें बेपनाह शोहरत हासिल हुई। अक्सर व बेशतर लोगों ने अखबारों में इनकी खबरें पढ़ी होंगी और इंटरनेट पर इनके क्लिप्स भी देखे होंगे। अलबत्ता ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि ये औरत दर हकीकत एक मर्द है, जो सर्जरी की बदौलत आज एक बेहतरीन आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फौरन कर लीजिए और साथ मौजूद बेल के आइकन को दबाना न भूलिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।